फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है और एक वीडियो में शोमुस बायोलॉजी से। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीसी, यहाँ पर लिखा हुआ है गैस क्रोमैटोग्राफी। गैस क्रोमैटोग्राफी का ऑलरेडी इंग्लिश में वीडियो मेरे चैनल में ऑलरेडी अवेलेबल है, मगर उन लोगों के लिए जो हिंदी में समझना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए। गैस क्रोमैटोग्राफी क्या है, पहले तो ये एक बात मैं बता देता हूँ। गैस क्रोमैटोग्राफी को जानने से पहले आपको क्रोमैटोग्राफी का एक बेसिक्स नॉलेज होना जरूरी है, तो मैं एक दो सेंटेंस में बता देता हूं कि क्रोमैटोग्राफी होता क्या है। ये केमिकल एनालिटिकल टेक्निक है, जिस टेक्निक को यूज करके हम मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब एक कंपोनेंट, बहुत सारे सब्सटेंस के एक मिक्सचर में से कुछ सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं। किस चीज को यूज करके, बहुत सारे मानो कि उन लोगों के बीच के एफिनिटी को यूज कर सकते हैं, उन लोगों के बीच के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को यूज कर सकते हैं, या फिर उन लोगों का जो एफिनिटी डिफरेंट जो स्टेट्स होते हैं, मतलब सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट या फिर गैसियस स्टेट्स का में जो स्टेट पार्टीशन होता है, उस हिसाब से भी हम वो कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं। तो गैस क्रोमैटोग्राफी में पर्टिकुलरली ये एक ऐसे टाइप का क्रोमैटोग्राफी है जहां पर हम एक मिक्सचर ऑफ गैस, मतलब ऐसा कॉम्पोनेंट्स को सेपरेट करते हैं जो वोलाटाइल है, मतलब जिसको हीट करने से जो कंपोनेंट गैस में कन्वर्ट होता है, और उस गैस में जो कंपोनेंट्स रहते हैं, उस हर एक कंपोनेंट को हम धीरे धीरे एक के साथ एक को सेपरेट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि कौन कौन सी कंपोनेंट उस गैस मिक्सचर में मौजूद है या फिर था। हमने पहले देख चुके हैं कि लिक्विड क्रोमैटोग्राफी के एग्जाम्पल, जो कि कहा जाता है ऐसे कॉलम क्रोमैटोग्राफी कहा जाता है, या फिर हम उसे लिक्विड क्रोमैटोग्राफी का और भी एग्जांपल हमने देखा एचपीएलसी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी, और हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमैटोग्राफी। वो सब लिक्विड, मतलब वो जो मिक्सचर है वो लिक्विड था जिसको हम सेपरेट किए। मगर अब हम देखेंगे एक मिक्सचर जो गैसियस है, मतलब गैसियस अगर है भी नहीं तो उनको हम गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं हीट करके, ठीक है। तो ये एक मिक्सचर, जो मिक्सचर को हम हीट करते हैं एक टेम्परेचर में, और हीट करने के साथ साथ जब उसका हीटिंग कंपोनेंट रेडी हो जाता है, गैस कंपोनेंट रेडी हो जाता है, फिर उस गैस कंपोनेंट को इंसर्ट किया जाता है एक कॉलम के अंदर। तो ये जो कॉलम है, मतलब जिसके अंदर ये क्रोमैटोग्राफी प्रोसेस रन होता है, वो उसको कॉलम कहा जाता है। और कॉलम क्रोमैटोग्राफी में भी था, जो ग्लास से, मतलब कांच से बना हुआ था कुछ जगह, या स्टील से बना हुआ होता है, यहाँ पे भी ऐसा ही मटेरियल से बना हुआ चाहिए जहां पर जो हीट रेजिस्टेंस हो। और उस हिसाब से ये कैपिलरी को भी हम यूज कर सकते हैं कॉलम के तौर पर, या फिर हम कोई स्टील या फिर कोई अलग हीट रेजिस्टेंट मटेरियल को भी यूज कर सकते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। तो ये गैस क्रोमैटोग्राफी में हम सिंपली जो कंपोनेंट है उसको हीट करते हैं, उसको मिक्स करते हैं एक सॉल्वेंट के साथ, जैसे कि हम लिक्विड क्रोमैटोग्राफी में किए थे। मतलब सैंपल तो हमें चाहिए जिसको हमें सेपरेट करना है, उसके साथ साथ वो सैंपल को हमें डिसॉल्व करना है, किसमें मिक्स करना है। तो एक मैट्रिक्स चाहिए जो सैंपल को लेके जाए थ्रू कॉलम। तो लिक्विड क्रोमैटोग्राफी में वो जो मिक्सचर था वो पोलर हो सकता था या फिर हाइड्रोफोबिक हो सकता था, मगर इसमें गैस क्रोमैटोग्राफी में वो क्या होगा, गैस। तो जो सॉल्वेंट होगा जिसके अंदर सैंपल मिक्स्ड अप होगा, वो यहां पर गैस है। कौन सा गैस, ऑब्वियसली हम यूज करते हैं इनर्ट गैस। इनर्ट गैस मतलब ऐसा गैसेस जो कि वो सैंपल को कोई भी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं करेगा। तो एग्जांपल आप देखें तो नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, आर्गन, ये एक इनर्ट गैस का एग्जांपल्स है जो कि खुद कोई रिएक्शन नहीं करेगा। अगर यहां पर हम ऑक्सीजन यूज करते हैं तो ऑक्सीजन का एक कैपेबिलिटी है फायर, मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज करता है। तो ऐसे इसके रिजल्ट में क्या होता है, जो केमिकल कंपोनेंट गैस में रहेगा, जो सैंपल रहेगा, उसको ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज करके चेंज कर सकता है, मगर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन, ये कुछ नहीं करेगा। इसलिए हम ये इनर्ट गैस को ही यूज करेंगे कैरियर गैस के तौर पर। तो कैरियर गैस हो गया। तो कैरियर गैस एक सॉल्वेंट है जिसके अंदर हम सैंपल ऐड कर देंगे। तो मानो ये कुछ भी कैरियर गैस हम ले लेते हैं, उसके साथ हम यहां पर जो है सैंपल ऐड करेंगे। तो बात ये बनता है कि कैसे ये प्रोसेस रन होता है। तो हर एक कॉलम क्रोमैटोग्राफी की तरह इसमें भी एक कॉलम रहा होता है, उसको हम ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा दिखने को मिलेगा। मतलब यहां पर मैं कॉलम को ड्रॉ करता हूं, ये एक चेंबर, और इस चेंबर में हीटिंग कॉयल है। यहां पर ये है हीटिंग कॉयल। तो मैं स्कीमेटिक ड्रॉ करूं यहां पर, तो एक फ्लेम के तरह मैं ड्रॉ करता हूं, ये है फ्लेम। तो यहां से हीट हो रहा है ये कॉलम, क्योंकि यहां पर जो मुद्दा है या वो है कि जो मिक्सचर है उसको हमें इतना टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं कि वो गैस में कन्वर्ट हो जाए। तो यहां पर एक एंट्री पोर्ट है जिसमें से सैंपल
इनसाइड अंदर आता है, हाँ सैंपल यहां से अंदर आएगा जिसको हम कहते हैं सैंपल पोर्ट, ठीक है। और इस सैंपल पोर्ट, सैंपल हम इंजेक्ट करते हैं इस पोर्ट से, मगर सैंपल को तो डिसॉल्व होना है किसके साथ, ऑब्वियसली गैस के साथ। तो यहां पर हमारे पास होता है एक गैस का चेंबर, तो ये रहा गैस का चेंबर, जो इनर्ट गैस है उसका चेंबर। तो इस गैस के चेंबर से जो गैस इनर्ट गैस है वो इसके अंदर जाएगा और सैंपल भी इंजेक्ट होगा, और दोनों मिलाकर यहां पर एक सैंपल इंजेक्शन पोर्ट रहता है, जो एक डिवाइस ऐसा बना हुआ होता है एक एक जैकेट के तरह अंदर, ठीक है। एक्स्ट्रा जो गैस है वो निकलने का भी जगह होता है, और बाकी का जो गैस है वो एंटर करता है किसके अंदर, एक कॉलम, मानो ये है वो कॉलम, बहुत ही थिन एक कॉलम, क्योंकि गैस है, सॉलिड तो है नहीं, लिक्विड तो है नहीं, तो बहुत थिन कॉलम, पतला कॉलम से भी काम चल जाता है यहां पर। तो यहां पर ये कॉलम, और आखिर में ये कॉलम जाके एंड होता है एक डिटेक्टर पे। तो यहां के इसके साथ लगा हुआ है एक डिटेक्टर इलेक्ट्रोड के साथ, तो यहां पर होता है एक डिटेक्टर, और डिटेक्टर से हम यहां से करते हैं एनालिसिस, मतलब इस गैस के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट थे, कितने अमाउंट में थे, सब कुछ एनालिसिस कर सकते हैं यहां पर, ठीक है। तो यहां पर गैस, यहां पर है टोटल कॉलम, और कॉलम जो है पूरा एक जैकेट के अंदर, जिसे कहा जाता है यहां पर हीटिंग चेंबर, उसके अंदर होता है। ये यूनिकनेस है गैस क्रोमेटोग्राफी की। गैस क्रोमेटोग्राफी की यूनिकनेस है इसके टेम्परेचर, और गैस क्रोमेटोग्राफी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम टेम्परेचर को ध्यान दें, मतलब और एक जो दूसरी जगह यहां पर है उसमें जो भी टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को खास ध्यान दिया जाए, मतलब एक जगह से और एक जगह पर, यहां से जो गैस इनर्ट है वहां से गैस चेंबर पर का टेम्परेचर फिक्स, और ये टेम्परेचर हम अगर यहां पर फ्लक्चुएट करते हैं तो उसके हिसाब से जो सेपरेशन है, मतलब जो रेजोल्यूशन, मतलब एक कॉम्पोनेंट से अलग कॉम्पोनेंट को सेपरेट करने का जो जो तरीका, उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहां पर गैस को, इसलिए गैस को अंदर जाने के लिए एक रेगुलेटर का जरूरत होता है, तो यहां पर एक रेगुलेटर होता है जो गैस को रेगुलेट करते हैं, मतलब कितना गैस अंदर जाएगा कितना नहीं जाएगा उसको रेगुलेट करता है। तो ये तकरीबन जो एक कॉम्पोनेंट है, स्ट्रक्चर है गैस क्रोमेटोग्राफी के इंस्ट्रूमेंटेशन की। अभी बात करते हैं हर एक चीजों की सेपरेटली। देखो एक चीज तो सिंपल है कि यहां पर जो प्रोसेस है सिंपल, गैस कैरियर गैस जाएगा जो इनर्ट है, सैंपल के साथ वो मिक्स होगा। अब ये जो मिक्स चेंबर है उसके बीच में से ये निकलेगा। चेंबर दोनों तरीके का होता है, स्लिट और स्लिटलेस, मतलब एक चेंबर है जिसमें स्लिट रहता है और एक चेंबर कोई स्लिट नहीं रहता है। अभी मैक्सिमम जो गैस क्रोमेटोग्राफी है वहां पर हम विद स्लिट चेंबर ही यूज करते हैं, क्योंकि उस चेंबर में दोनों, यहां पर देख सकते हो कि दोनों तरीके का जैकेट है, अंदर का जैकेट और बाहर का, और दोनों के बीच एक गैप है, और अंदर के जैकेट में ये जो कॉलम है वो इंसर्ट किया हुआ है। तो इसका मतलब होता है कि यहां पर गैस अंदर आएगा तो कॉलम के अंदर वो घुस जाएगा, मगर यहां पर इसके अंदर घुसने के लिए टेम्परेचर चाहिए, जो टेम्परेचर यहां पर प्रोवाइड किया होता है, जिसमें एक्चुअली टेम्परेचर ज्यादा तो तौर पे यहां पे ही प्रोवाइड किया होता है जहां पर सैंपल इंसर्शन पोर्ट है, जिसको हम कहते हैं कि कॉलम की हेड, मतलब कॉलम का सर, और यहां कहा जाता है कॉलम का टेल, मतलब कॉलम का पूंछ। तो सर और पूंछ इस हिसाब से होता है। तो यहां पर कॉलम के सर तक एक टेम्परेचर अप्लाई किया जाता है जिससे जो भी कंपोनेंट है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है वहां पर। अब उसके अंदर ये आता है, कॉलम के बीच में से वो निकलता है। अब कॉलम जो है, अब देख सकते हो कि बहुत तरीके का कॉलम है, मगर जो 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 हम जो बात कर रहे हैं सैंपल इंजेक्टर, जिसको हम कहते हैं सैंपल इंजेक्शन पोर्ट, उसमें देखो सैंपल इंजेक्शन में माइक्रो सिरिंज यूज किया जाता है, बहुत ही, क्योंकि ये गैस है तो इसको धीरे धीरे इंसर्ट करना है। कोई भी क्रोमेटोग्राफी में दो चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, एक तो स्पीड, मतलब अगर स्पीड बहुत ज्यादा हो तो रेजोल्यूशन अच्छा नहीं आएगा, तो स्पीड ठीक ठाक होना चाहिए, स्लो होना चाहिए, उनमें प्रोसेस एंड होने में टाइम लगता है मगर रेजोल्यूशन जो है अच्छा आता है। तो स्पीड को कंट्रोल करने के लिए यहां पर माइक्रो सिरिंज इंजेक्शन यूज करते हैं, और इसमें जो सैंपल पोर्ट है यहां पर भी हीट दिया जाता है, कितना, तकरीबन 50 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होना चाहिए टेम्परेचर, जो कि सबसे कम वोलेटाइल कंपाउंड के बॉइलिंग टेम्परेचर से, मतलब यहां पर देखो इस गैस के अंदर सैंपल है तो हम जानते हैं तकरीबन कौन से सैंपल लेकर हम डील कर रहे हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए कि काइंड ऑफ कौन से सैंपल इसके अंदर है और कौन से सैंपल को हमें चाहिए ढूंढना। तो वहां पर
हम ये करते हैं कि जो सैंपल का बॉइलिंग, क्योंकि हर एक सैंपल का एक बॉइलिंग पॉइंट है, उससे ऊपर जाएगा तो वो सैंपल बॉयल होता है, मतलब गैस में कन्वर्ट होता है। तो यहां पर जो लीस्ट वोलाटाइल है उससे भी इस इंजेक्शन पोर्ट का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रखना चाहिए। उससे क्या होता है कि इंजेक्शन अच्छा होता है, जो कंपोनेंट अंदर है वो गैस में अच्छी तरीके से तब्दील हो सकता है। तो वही होता है यहां पर। तो जनरली जो हम सैंपल लेते हैं, दोनों तरीके का कॉलम होता है, पैक्ड कॉलम और कैपिलरी टाइप कॉलम, हम वो बात करेंगे कुछ देर में। तो यहां पर कॉलम जो कैपिलरी है बहुत ही थिन कॉलम होता है, और पैक्ड कॉलम थोड़ा सा बड़ा होता है, डायमीटर थोड़ा सा बड़ा होता है। तो यहां पर अगर पैक्ड कॉलम है तो सैंपल ज्यादा लगता है, क्योंकि उसका जो डायमीटर है वो चौड़ा है, बड़ा है। तो उसके लिए 20 माइक्रोलीटर सैंपल लग सकता है, 10 15 20 माइक्रोलीटर सैंपल। और अगर ये कैपिलरी है जो कि हायर एंड गैस क्रोमेटोग्राफी में नजर आता है, वहां पर 10^-3 मिलीलीटर, मतलब बहुत ही कम सैंपल चाहिए होता है जिसको हम इसके अंदर से ट्रांसफर कर सकते हैं, और प्रोसेस बहुत ही खूबी से हम निभा सकते हैं। तो ये होता है माइक्रोसिरिंज, और टेम्परेचर यहां पर 50 डिग्री सेल्सियस ग्रेटर देन द लीस्ट वोलेटाइल कॉम्पोनेंट। अभी आते हैं कॉलम पर। तो कॉलम मतलब कॉलम तो हीट चेम्बर के अंदर है यहां पर। तो कॉलम दो तरीके का मैं बताया, पैक्ड और कैपिलरी टाइप। पैक्ड कॉलम जो है उसका जो लेंथ होता है 1.5 से डेढ़ से 10 मिली लाइक मीटर का, मतलब 1.5 से 10 मीटर में 30 फुट का भी हो सकता है। ठीक, 10। तो क्या होता है कि कॉलम को एकोमोडेट करने के लिए हम ये कॉलम को रोटेट करते हैं। बहुत सारे ऐसे 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 स्प्रिंग की तरह रोटेशन होता है, ये यहां पर मैं दिखाया नहीं सिंपलिसिटी के लिए, मगर बात ये है कि 30 फुट का तो कॉलम हो अगर तो मशीन तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ये नहीं होता है, कॉलम को ऐसे रोटेट किया हुआ होता है, कंडेंस किया हुआ होता है अगर ये, और इसका डायमीटर 2 से 4 मिलीमीटर का होता है। और अलग साइड पे देखें तो कैपिलरी जो कॉलम है उस कॉलम को भी ऐसा ही होता है। कैपिलरी कॉलम बहुत थिन होता है, वो भी बहुत कॉयल किया हुआ होता है, बड़ा कॉलम होता है, क्योंकि कॉलम अगर छोटा रखें तो रेजोल्यूशन अच्छा नहीं आएगा। कॉलम बड़ा होना चाहिए, एक ठीक ठाक लेंथ का होना चाहिए ताकि रेजोल्यूशन अच्छा हो। अभी बात करें कैपिलरी कॉलम की, तो दो टाइप का कैपिलरी कॉलम मार्केट में अवेलेबल है, और अभी रिसेंटली एक कॉलम नया है, तो तीनों के बारे में ही बताएंगे। एक तो है वॉल कोटेड ओपन टिब्यूलर। तो ये कैपिलरी कॉलम को हम ये भी कहते हैं ओपन टिब्यूलर कॉलम, ओटी, ओपन टिब्यूलर कॉलम, क्योंकि पैक्ड कॉलम का मतलब ये होता है कि पैक्ड कॉलम में इसके अंदर, मतलब हर एक क्रोमेटोग्राफी में आप जानो तो एक मोबाइल फेज होता है और एक स्टेशनरी फेज होता है। मतलब मोबाइल फेज मतलब जो सॉल्वेंट और सैंपल जाएगा कॉलम के बीच में से, जो मूव करेगा, उसको मोबाइल फेज कहते हैं। और स्टेशनरी फेज जिससे ये कॉलम बना हुआ है, पैक्ड हुआ है, उसे हम स्टेशनरी फेज कहते हैं। तो यहां पर स्टेशनरी फेज में क्या है, स्टेशनरी फेज में गैस क्रोमेटोग्राफी में लिक्विड हो सकता है, या फिर लिक्विड जो सॉलिड के साथ सोक्ड है, मतलब लिक्विड सॉलिड के साथ अटैच किया हुआ है, ये हो सकता है। और मोबाइल फेज गैस क्रोमेटोग्राफी में हर वक्त गैस ही रहेगा, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखें। तो स्टेशनरी फेज यहां पर मैं लिख देता हूं, स्टेशनरी फेज यहां पर होगा ऑब्वियसली यहां पर हो सकता है लिक्विड, या फिर लिक्विड जो एडहियर टू गैस, मतलब गैस कंपोनेंट लिक्विड के सॉलिड, सॉरी लिक्विड एडहियर टू सॉलिड, ये हो सकता है। और मोबाइल फेज होता है गैस, डेफिनेटली, ठीक है। तो ये जो पैक्ड कॉलम है वो कौन सी कॉलम होता है, जहां पर आप देख सकते हो कि पैक्ड कॉलम में लिक्विड कंपोनेंट्स रहते हैं, मतलब पैक्ड कॉलम के अंदर अगर आप देखो तो वहां पर सिंपली जो कंपोनेंट होता है लिक्विड कंपोनेंट को दिया हुआ होता है पैक्ड कॉलम के अंदर, और उसके बीच में से ये जो कंपोनेंट है गैसियस वो मूव करेगा। मगर कैपिलरी कॉलम जो है वहां पर एक सपोर्ट मिलता है, मतलब उसका जो कॉलम है वो कोटेड रहता है। तो कौन सी कोटिंग, या फिर सिर्फ लिक्विड से कोटिंग हो सकता है, या फिर कोटिंग हो सकता है जो सॉलिड के साथ लिक्विड को चिपकाना। और एक्चुअली मैं पैक्ट में एक चीज बताना चाहता हूं, पैक्ट में भी अब इनर्ट मटेरियल से पैक्ट कॉलम बन सकता है, मतलब डायटोमशियस अर्थ जैसा कुछ क्ले अर्थली मटेरियल होता है, क्ले मिट्टी की तरह मटेरियल होता है जो इनर्ट होता है, उसको देके हम पैक्ट कॉलम बना सकते हैं, उसके बीच में से गैस गुजरता है। मगर कैपिलरी में लिक्विड का होना बहुत जरूरी है, कैपिलरी कॉलम में लिक्विड डेफिनेटली होगा, मगर लिक्विड खुद हो सकता है सिर्फ लिक्विड, या फिर स्टेशनरी फेज में लिक्विड हो सकता है जो कि सोक किया हुआ सॉलिड के साथ हो सकता है। तो यहां पर जो ओटी और जिसको कहते हैं ओपन टिब्यूलर कॉलम और कैपिलरी कॉलम दोनों, एक वॉल कोटेड ओटी हो सकता है, तो इसको कहते हैं हम वॉल कोटेड ओपन टिब्यूलर, WCOT,
ठीक है, और एक होता है सपोर्ट कोटेड ओपन ट्यूबुलर SCOT, दोनों होता है WCOT और SCOT। तो WCOT वॉल कोटेड जो कॉलम है, इसका मतलब होता है इसका जो दीवार है ये लिक्विड से कोट किया हुआ होता है, मतलब इसका जो ये कैपिलरी है, कैपिलरी लिक्विड से कोट किया हुआ है और गैस उसके बीच में से गुजरेगा। अभी उनमें क्या होगा कि कुछ गैसेस जो कंपोनेंट है जो लिक्विड के साथ इंटरैक्ट करेगा तो स्लो हो जाएगा, और गैस का कुछ कंपोनेंट जो इंटरैक्ट नहीं करेगा वो चलता रहेगा। और वही प्रिंसिपल है, जो वहां पर एफिनिटी लिक्विड के साथ ज्यादा है वो धीरे हो जाएगा तो बाद में निकलेगा, और जो फास्ट है इंटरैक्ट नहीं करेगा वो फास्ट है वो पहले निकलेगा। और उस हिसाब से हम डिटेक्टर में डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी कंपोनेंट ये कैपिलरी कॉलम से जो जो पूंछ है इस पूंछ से पहले निकला, कौन सी कंपोनेंट बाद में निकला, उस हिसाब से हम मार्क कर सकते हैं कि कौन सी चीज क्या है। यहां पर बहुत बहुत इजीली हम वो कर सकते हैं। अभी ये वॉल कोटेड गया लिक्विड से कोटेड, और सपोर्ट कोटेड SCOT। सपोर्ट कोटेड में क्या होता है कि इसमें भी जो स्टेशनरी फेज में उसमें लिक्विड कंपोनेंट तो है, मगर उसके साथ साथ एक जो दीवार है इस कॉयल की, कैपिलरी की, उस दीवार में एक सॉलिड सपोर्ट भी होता है। सॉलिड सपोर्ट किस चीज का होता है, वो मिट्टी जैसा एक मटेरियल, डायटोमशियस अर्थ, उससे बना हुआ होता है। तो ये था SCOT। अभी देखें तो SCOT बेटर रहता है WCOT के तौर पर, क्योंकि इसमें क्या होता है जो रेजोल्यूशन है अच्छा होता है, टेम्परेचर का सहने का जो ताकत होता है वो सपोर्ट कोटेड कॉलम में ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, अभी तीसरा जो नया है मार्केट में, मैं बताया आपको फ्यूज सिलिका ओपन ट्यूबुलर, इसको कहा जाता है FSOT, फ्यूज सिलिका ओपन ट्यूबुलर। ये भी एक टाइप का सपोर्ट कोटेड ही कॉलम है, मगर इसमें जो सपोर्ट होता है वो सिलिका से बना हुआ होता है। और अगर आप मेरा पहले वीडियो देख चुके हैं क्रोमैटोग्राफी के बारे में, आपको पता होगा कि सिलिका को हम यूज करते हैं ऐसे इनर्ट मटेरियल जो कि स्टेशनरी फेस का बेड बनाता है और कॉलम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, तो उसे यूज करते हैं यहां पर फ्यूज सिलिका ओपन ट्यूबुलर कॉलम में। तो यहां पर जो कोटिंग होता है वो किस चीज से बना हुआ होता है, पॉलीमाइड से बना हुआ होता है। तो इस कोटिंग और भी टेम्परेचर रेजिस्टेंट है और इनर्ट है, तो जो गैस है वो बहुत इजीली यहां से जाके पास कर सकता है और मूव कर सकता है। तो इस हिसाब से जो गैस है यहां से हीट होने के बाद मूव करेगा, मगर ध्यान रखिए कि जो कॉलम है इसका टेम्परेचर मेंटेन करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक काम है, इसलिए हम इस कॉलम को एक हीट और हीटिंग जैकेट और हीटिंग चैम्बर के अंदर रखते हैं। तो टेम्परेचर हम कैसे मेंटेन करें, अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज कर दें, ज्यादा कर दें, तो मतलब ये जो प्रोसेस है ये फास्ट होगा, बहुत जल्दी जल्दी क्रोमेटोग्राफी का रिजल्ट मिलेगा, मगर उसमें रेजोल्यूशन अच्छा नहीं होगा। मतलब अगर आप देखना चाहें रिजल्ट ग्राफ में तो कैसा नजर आता है, कोई कंपाउंड को हम ढूंढना चाह रहे हैं तो उसको अगर ढूंढे तो एक ग्राफ में उसको शो किया जाता है ऐसे, तो अगर ऐसे आए इसका मतलब है रेजोल्यूशन अच्छा आ रहा है, मगर अगर ऐसा सिचुएशन आए यहाँ पर ऐसे ऐसे आ रहा है, मतलब पीक को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब रेजोल्यूशन अच्छा नहीं हो रहा है। तो अगर टेम्परेचर ज्यादा कर दें तो रिजल्ट तो फास्ट होगा मगर रेजोल्यूशन बहुत ही खराब आएगा, इसलिए जो टेम्परेचर है उसको एक बैलेंस्ड हम मेंटेन करते हैं, और उसका जो टेम्परेचर वो एवरेज जो टेम्परेचर हम इस जैकेट में मेंटेन करते हैं वो जो एवरेज बॉइलिंग पॉइंट है ये सैंपल का, उससे उसके हिसाब से रेगुलेट किया जाता है कि ताकि अगर बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर से भी ज्यादा करते हैं ऑब्वियसली, बट वो टेम्परेचर को मेंटेन करते रहते हैं। अगर हमें पता नहीं है कि सैंपल में क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो वहां पर हमको एक टेम्परेचर प्रोग्रामिंग भी करना होता है, जहां पर हम सिंपली टेम्परेचर को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके चेंज करके देख सकते हैं कि कौन से टेम्परेचर में अच्छा रेजोल्यूशन मिल रहा है, और उस हिसाब से हम इस सैंपल इस प्रोसेस को रन करते हैं। ठीक है, तो ये गया कॉलम्स के बारे में। अभी आखिरी बार होता है डिटेक्टर के बारे में। तो मतलब ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हुआ, डिटेक्टर में कुछ कंपोनेंट गैस में से पहले निकला, कुछ कंपोनेंट बाद में निकला, उसको हम एनालिसिस कर सकते हैं जो कि एक मॉनिटर एक सीपीयू के साथ लगा हुआ है, मॉनिटर स्क्रीन में हम देख सकते हैं कि कैसे कंपोनेंट जो है वो रिजॉल्व हो रहा है। अभी क्वेश्चन ये है कि डिटेक्टर कैसे काम करता है, यहाँ पर डिटेक्टर जो हम यूज करते हैं वो एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डिटेक्टर होता है, जैसे कि यू नो कॉलम क्रोमैटोग्राफी में, साइज एक्सक्लूशन क्रोमैटोग्राफी, एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी में डिटेक्शन बहुत ही इजी होता है, यहाँ पर डिटेक्शन थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पर डिटेक्शन में जो यूज होता है दोनों तरीके का डिटेक्टर, एक होता है नॉन सिलेक्टिव टाइप डिटेक्टर और एक होता है सिलेक्टिव टाइप डिटेक्टर। तो नॉन सिलेक्टिव डिटेक्टर और सिलेक्टिव डिटेक्टर दोनों में डिफरेंस क्या है, नॉन सिलेक्टिव डिटेक्टर
कुछ भी चीज को डिटेक्ट कर सकता है, मतलब उसको कोई स्पेशलाइजेशन है नहीं, मतलब डिटेक्टर में कोई भी कंपोनेंट आया वो बोलेगा ये कंपोनेंट कार्बन 5 कार्बन 4 नाइट्रोजन से बना हुआ है, सपोज फॉर एन एग्जांपल इससे बना हुआ है तो मतलब ये कार्बन ये कंपोनेंट ये हो सकता है, तो एक एक एल्गोरिदम रन करके वो बता देगा, तो उस हिसाब से होता है कोई भी कॉम्पोनेंट आया उसको डिटेक्ट करेगा। मगर जो सिलेक्टिव टाइप डिटेक्टर है, मतलब वो हम स्पेशल यूज करते हैं ये जानने के लिए कि वो गैसियस कंपोनेंट में गैसियस सैंपल में हमारा पसंदीदा कोई सैंपल है या नहीं, सिर्फ वो हमारे चाहिए था सैंपल को ही डिटेक्ट करेगा और कोई भी अदर सैंपल को डिटेक्ट नहीं करेगा। हम क्यों सिलेक्टिव टाइप यूज करते हैं, क्योंकि टाइम बचता है और डिटेक्टर जब हम रन करते हैं तो बहुत एनर्जी भी लगता है डिटेक्टर को रन करने के लिए, तो अगर नॉन सिलेक्टिव यूज करें और ये सारे के सारे सैंपल को हमें बताता रहे कि ये सैंपल वो सैंपल, कोई भी सैंपल हमें चाहिए नहीं था, हमारा चाहिए सैंपल निकला 90 मिनट के बाद गैस क्रोमैटोग्राफी में, अब बताओ 90 मिनट तक हम रन कर रहे हैं ये नॉन सिलेक्टिव टाइप, तो वो फायदा नहीं। सिलेक्टिव टाइप क्या करेगा, सिर्फ तभी सिग्नल देगा या फिर बताएगा, तभी एनालिसिस करने भेजेंगे जब हमारा पसंदीदा और टारगेट मॉलिक्यूल को हमें मिल जाएगा, तो इसीलिए सिलेक्टिव टाइप ज्यादा चाहिदा है। तो सिलेक्टिव टाइप में भी दोनों टाइप का है, तो होता है कंसेंट्रेशन डिपेंडेंट डिटेक्टर, मास फ्लो डिपेंडेंट डिटेक्टर। अभी डिफरेंस क्या है, कंसेंट्रेशन डिपेंडेंट डिटेक्टर क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है कि कौन सी कंसेंट्रेशन में कितना कंसेंट्रेशन में गैस का सैंपल का कोई कंपोनेंट डिटेक्टर को हिट किया, तो मतलब जिसका कंसेंट्रेशन ज्यादा उसका सिग्नल भी उतना ज्यादा, मतलब पीक में उसका पीक भी ज्यादा आएगा, राइट, हाइट पीक लेंथ भी ज्यादा आएगा, तो यह कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। और जो मास फ्लो डिटेक्टर डिपेंडेंट डिटेक्टर है वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं फ्लो रेट, मतलब कौन सी रेट में फ्लो हो रहा है, कौन सी रेट में गैस आके डिटेक्टर में आ रहा है, कौन सी रेट है, उस रेट को देखकर मास फ्लो डिटेक्टर डिटेक्ट करता है। तो ये डिफरेंस है कंसेंट्रेशन डिपेंडेंट मास फ्लो डिपेंडेंट। अभी मास फ्लो डिपेंडेंट का एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, उसका नाम होता है फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर, FID शॉर्ट फॉर्म में, FID डिटेक्टर, फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर। फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर में पाइरोलाइसिस टेक्निक को यूज करके हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं किस चीज को, गैस का कंपोनेंट को हम सेपरेट कर सकते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि यहां पर फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर कैसे काम करता है, तो ये कॉलम के बीच में से सैंपल जो है गैसियस सैंपल मूव कर रहा है, उसके बाद गैसियस सैंपल डिटेक्टर को हिट कर रहा है। अब ये गैसियस सैंपल जो FID है उसमें क्या होता है, डिटेक्टर में एक प्रोसेस है जहां पर सिंपली हम क्या करते हैं, बाहर से ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऐड करते हैं, ऑक्सीजन भी ऐड करते हैं, मतलब प्लेन जो एयर है उसको ऐड करते हैं बाहर से। ऑक्सीजन जैसे ऐड होता है ऑक्सीडाइज होता है, क्योंकि टेम्परेचर हॉट रहता है, हाई रहता है यहां पर, तो यहां पर क्या होता है कि फ्लेम, मतलब एक फ्लेम डिवाइस है जहां से इसको आग दिया जाता है। उसी हिसाब से क्या होता है कि वो जो गैसियस कंपोनेंट इसके अंदर आता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, वो बर्न होने लगता है, मतलब जलने लगता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के यहां पर जब हम जलने लगाते हैं, फ्लेम कर देते हैं बाहर से हवा ऐड करके, उस हिसाब से यहां पर इस इलेक्ट्रोड के माथे के ऊपर एक टिप रहता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रोड हम इस डिटेक्टर के अंदर प्रेजेंट होता है, जिस इलेक्ट्रोड में हम एक स्मॉल वोल्टेज अप्लाई करते हैं। उस वोल्टेज अप्लाई करने के साथ साथ यहां पर जो भी कंपाउंड है, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हम जला दिए, उसको हम कहते हैं पाइरोलाइसिस, उसके वजह से जो भी इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है उसको, और जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है उस करंट को ये जो डिटेक्टर है वो डिटेक्ट करता है, और डिटेक्ट करने के साथ साथ उसका जो ग्राफ है, उसका जो पोजीशनिंग है वो हमको बताते हैं, ये बताते हैं कि कौन सी रेट में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो आके बर्न हो रहा है, उस रेट, मतलब ये जो FID है वो एक मास फ्लो डिटेक्टर है जो कि सैंपल का रेट को पकड़कर हमको डेटा प्रोवाइड करता है, ना कि सैंपल के कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन कम हो ज्यादा हो फर्क नहीं पड़ता, यहां पर कौन सी रेट में आके वो बर्न हो रहा है, पाइरोलिसिस हो रहा है, उस हिसाब से वो हमको डिटेक्शन में बताएगा, क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रोड है उसमें से करंट देने के साथ साथ यहां पर एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, उसको डिटेक्ट करके और डिटेक्टर हमको एनालिसिस करके बताता है कि क्या हो रहा है, कौन से सैंपल यहां पर मौजूद है। और ऐसा ही डिटेक्टर्स, बहुत सारे टाइप के डिटेक्टर्स होंगे जो बहुत सारे अलग अलग प्रिंसिपल पे काम करता है। यहाँ पर भी मास स्पेक भी अटैच किया जा सकता है, जहां पर हम एक कॉम्पोनेंट
को ये देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिसका कार्बन नाइट्रोजन कितना है कैसे स्ट्रक्चर्स है, ये सब देखकर हम बहुत आसानी से बोल सकते हैं कि वो गैस कंपोनेंट्स में और सैंपल में कौन कौन सी कंपोनेंट मौजूद है या फिर नहीं है, तो उस हिसाब से हम डिटेक्ट करके बता सकते हैं। तो ये जो मास फ्लो डिटेक्टर, ये सिलेक्टिव टाइप का ही डिटेक्टर होता है। और इसका एक बात होता है कि ये मेरा डिसएडवांटेज भी है कि ये डिटेक्टर जो है ये सैंपल को आखिर में डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म कर देता है, क्योंकि वो उसको बर्न कर दे रहा है, मतलब वो जलाकर राख कर दे रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम होता है मास फ्लो डिटेक्टर्स में, जो सैंपल को आखिरी स्टेज में खत्म कर देता है। मगर बाकी का जो है, मतलब कंसंट्रेशन डिपेंडेंट जो डिटेक्टर्स है, वो सैंपल को खत्म नहीं करता, सैंपल को इंटैक्ट रखता है आखिर तक। तो ये डिफरेंस है दोनों टाइप के डिटेक्टर में। अलग अलग सिचुएशन पर हम अलग अलग डिटेक्टर्स को यूज करते हैं। तो ये रहता है गैस क्रोमैटोग्राफी। और गैस क्रोमैटोग्राफी में हम बहुत सारे सिचुएशन है जहां पर एनी जो वोलेटाइल कंपोनेंट है उसको सिंपली हम गैस क्रोमैटोग्राफी से पसंद कर सकते हैं, उससे बर्न करके देख सकते हैं कि यहाँ कौन सी कंपोनेंट उसमें मौजूद है या नहीं। अभी बात करें इसके एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशंस तो बहुत सारे जगह होता है। एक्चुअली गैस क्रोमैटोग्राफी के एप्लीकेशन ऐसे लिमिटेड नहीं है। कोई भी कंपाउंड जो कि 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के नीचे वेपराइज हो, वो सारे के सारे कंपोनेंट को हम गैस क्रोमैटोग्राफी से ना ही सेपरेट कर सकते हैं बल्कि उसको हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। तो एक आइडेंटिफिकेशन के तौर पे हम यूज कर सकते हैं कोई भी कंपाउंड जो 300 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर के नीचे वेपराइज हो जाए। तो इसलिए हम कॉलेज की जो प्रैक्टिकल्स है जहाँ पर कोई प्लांट एक्सट्रैक्ट होता है उसको हम यूज कर सकते हैं, या फिर फॉरेंसिक्स में हम यूज कर सकते हैं, कोई ड्रग इंडस्ट्री में यूज करते हैं ड्रग की कंपोनेंट्स को जानने के लिए हम यूज कर सकते हैं, कोई भी प्लांट एक्सट्रैक्ट उसका कंपोनेंट क्या क्या चीज से वो बना हुआ है, सब ये सब कुछ केमिकल कंपोजिशन जो भी चीज हो, लिक्विड हो सॉलिड हो, उसका केमिकल कंपोजिशन अगर उसको हम 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से नीचे वेपराइज कर सकते हैं, उन सारे सिचुएशन में उन सारे मिक्सचर को हम जान सकते हैं, उसके कंपोनेंट को जान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं गैस क्रोमैटोग्राफी को यूज करके। तो ये होता है तकरीबन गैस क्रोमैटोग्राफी का इंस्ट्रूमेंटेशन, उसका स्ट्रक्चर एंड उसका फंक्शन, उसके एप्लीकेशंस। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो डेफिनेटली और जो क्रोमैटोग्राफी का वीडियो है वो भी देखिए चैनल में, वो भी शायद पसंद आया आपको। और इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो कीजिए ही, ताकि हम मोर हिंदी वीडियो आपके लिए बना सकें। और बने रहिए इस चैनल पर, कमेंट कीजिए कौन कौन सी अलग हिंदी वीडियो आपको चाहिए। धन्यवाद।